तो जस्टिस काटजू ने फिर एक नया खुलासा कर दिया है। उन्होंने न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के एक नए मामले के खुलासे का दावा करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के बारे में कुछ दावे किए हैं। काटजू के मुताबिक उस समय मुख्य न्यायाधीश कपाड़िया को एचएस कपाड़िया को इस बात की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ये किसी हाईकोर्ट में जज थे जिनकी ईमानदारी पर संशय था, इस कारण उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। समय के साथ वो जज इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बन गए। उस समय कुछ लोगों की मांग थी कि उन्हें किसी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाए और बाद में सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। जस्टिस कपाड़िया जो कि उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनके पास इस जज को लेकर काफी शिकायतें भी आ चुकी थी। जस्टिस कपाड़िया ने मुझे बुलाकर उस जज के बारे में सच्चाई पता लगाने को कहा। मुझे 3 एजेंटों के मोबाइल नंबरों का पता चला जिसके माध्यम से वो जज साहब पैसे की लेन देन करते थे। दिल्ली आकर मैंने जस्टिस कपाड़िया को वो 3 नंबर दे दिए और ये सलाह भी दी कि इंटेलिजेंस से कहकर इन नंबरों को टैप किया जाए ताकि पर्दाफाश हो सके। 2 महीने के बाद जस्टिस कपाड़िया ने मुझसे कहा कि मेरी सलाह के अनुसार उनके फोन टैप किए गए। उन्होंने ये भी बताया कि उन सब की बातचीत से भ्रष्टाचार की पुष्टि भी होती है। इसके बाद आदर्श स्थिति में जस्टिस कपाड़िया को उस जज को दिल्ली बुलाकर उसका इस्तीफा मांगना चाहिए था। अगर वो जज ऐसा करने से मना कर देता तो इस मुद्दे को संसद में महाभियोग के लिए भेज दिया जाना चाहिए था, लेकिन जस्टिस कपाड़िया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया।